Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to Campus X. So this is the second video on Windows function. Ab originally aaj ka video was supposed to be a live session, but thoda sa ek personal reason ki wajah se main aaj raat mein 8 baje se 10 baje tak available nahi rahunga. To I thought postpone karne se acha hai ki let's shoot a video. To what I have decided is ki I'll shoot this video in two parts. एक वीडियो अभी जो आप देख रहे हो और फिर एक और वीडियो आपको कल मिल जाएगा. सो इन दो वीडियोस में हम लोग विंडोज़ फंक्शन कम्प्लीटली कवर कर लेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो लास्ट सेशन लिया था विंडोज़ फंक्शन के ऊपर, वहाँ पर हमने 8 डिफरेंट विंडो फंक्शंस देखे थे. हमने समझा था विंडो फंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे. अब ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम दो चीज़ें करने वाले हैं. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे विंडोज़ फंक्शन के बारे में, और इसके अलावा हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है SQL में विद द हेल्प ऑफ विंडो फंक्शंस, वो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो है और जो कल का वीडियो है, इन दोनों में आपको बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिस कराया जाएगा विंडो फंक्शंस के ऊपर. बिकॉज एज यू नो, इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट, तो विंडो फंक्शंस आर वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज दे आर द एनालिटिकल फंक्शंस. और आज के वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा और लाइक इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी आज के वीडियो में जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी. ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए, आपके हेल्प के लिए मैंने काम कर दिया है कि इवन दो आई एम नॉट देयर लाइव, बट टीम विल बी देयर. सो आप चैट में, जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा, तो चैट में आप टीम के साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हो और दे विल बी रिप्लाइंग यू. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी जहाँ पर आप विंडो फंक्शन यूज कर सकते हो. मेरे एक्सपीरियंस में एक डोमेन जहां पर विंडो फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो होता है रैंकिंग. सो अगर आपको किसी भी कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर रैंकिंग करवानी होती है तो आप विंडो फंक्शन यूज कर सकते हो. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ. जैसे मान लो आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, राइट, और कस्टमर्स का डेटा स्टेट के हिसाब से है. ठीक है, मतलब कस्टमर का नाम, वो कौन से स्टेट में है, उसने कितना पैसे का सामान खरीदा, ये डेटा है आपके पास. तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि मुझे हर स्टेट के टॉप 5 कस्टमर्स निकाल के दो जिन्होंने सबसे ज्यादा सामान खरीदा, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टॉप एम्प्लॉयज निकाल करके दो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के टॉप 5 स्टूडेंट्स निकाल करके दो, या फिर IPL टीम्स के टॉप 5 बैट्समैन निकाल करके दो. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो यूजिंग रैंकिंग. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीज होती है. तो मेरे पास एक डेटा सेट है, द डेटा सेट इज IPL. सो इस डेटा सेट पे हमने काम कर रखा है. सो दिस इज द डेटा सेट जहाँ पे हमारे पास बॉल बाय बॉल डेटा है हर IPL मैच का. लेट्स से हमें यही पता करना है कि हु आर द टॉप बैट्समैन ऑफ ईच IPL टीम. सो बेसिकली कुछ इस तरीके का डेटा होगा. जब रिजल्ट आएगा तो हमें ऐसे दिखाई देगा, CSK उसका टॉप बैट्समैन, CSK उसका सेकेंड टॉप बैट्समैन, CSK थर्ड टॉप बैट्समैन, फोर्थ टॉप बैट्समैन, फिफ्थ टॉप बैट्समैन, फिर RCB फर्स्ट टॉप बैट्समैन, RCB सेकेंड टॉप बैट्समैन. तो बेसिकली यहाँ पर आपकी IPL की टीम्स का नाम होगा और यहाँ पे उनके टॉप 5 जो बैट्समैन है उनका नाम होगा. चाहो तो आप यहाँ पे उन्होंने टोटल कितने रन्स बनाए हैं ये भी हम दे सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रैंकिंग के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एंड वी विल यूज विंडो फंक्शन फॉर दैट, एंड वी विल यूज डेंस रैंक वाला विंडो फंक्शन. तो देखो क्या करोगे आप, सिंस इस डेटा सेट के बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा अंदाजा है, हम कई बार इसके ऊपर काम कर चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास बॉल बाय बॉल डेटा है. बेसिकली हर बैट्समैन ने हर मैच के हर बॉल पे कितने रन्स बनाए, ये डेटा मेरे पास है. तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये पता करूँगा कि हर बैट्समैन ने हर मैच में कितने रन्स बनाए. ठीक है, तो सी द बेसिक फंडा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो आप ये लिखोगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम IPL. वेयर कंडीशन कुछ है नहीं, आई विल डायरेक्टली डू अ ग्रुप बाय ऑन, आई विल डू अ ग्रुप बाय ऑन टू थिंग्स. ठीक है, आई विल डू अ ग्रुप बाय ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल
द बैटिंग टीम, इन माई केस इट इज बैटिंग टीम, एंड आई विल ऑल्सो डू अ ग्रुप बाय ऑन बैटर. ठीक है, सो मैं बैटिंग टीम और बैटर दोनों का ग्रुप्स बना रहा हूँ. सो मान लो अगर कोई ऐसा बैट्समैन है जो दो टीम्स के लिए खेला होगा, तो उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, वन फॉर द फर्स्ट टीम एंड वन फॉर द सेकेंड टीम. तो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट, एंड आई वुड राइट सम ऑफ बैट्समैन रन्स. सो वंस आई रन दिस, देर इज सम एरर, एंड द एरर इज बैट्समैन रन्स नहीं है हमारे पास, बैट्समैन रन है. सो या यू कैन सी, अब मेरे पास हर टीम के लिए जो भी बैट्समैन खेला है और उसने जितने भी रन्स बनाए हैं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे उसने रन्स कितने बनाए हैं इस चीज़ के बेसिस पे एक रैंक देना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और आई वुड राइट दिस कोड. ऑल्सो इसको हम लोग एक कॉलम नेम दे देते हैं, टोटल रन्स, और यहाँ पर आई पुट डेंस रैंक. मुझे डेंस रैंक निकालना है ओवर, और मुझे पार्टीशन बाय किसके ऊपर करना पड़ेगा, मुझे हर टीम के ऊपर पार्टीशन करना है, बिकॉज मुझे रैंकिंग विद इन द टीम क्रिएट करनी है. तो आई वुड राइट बैटिंग टीम. ऑल्सो आई हैव टू डू ऑर्डर बाय दिस सम ऑफ बैट्समैन रन. रैंकिंग इस चीज के बेसिस पे होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब जिस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए उसका रैंकिंग कम होगा. ठीक है, डेंस रैंक मैंने इसलिए यूज किया, मान लो अब तीन बैट्समैन है, उन लोगों ने बराबर रन बनाए, तो तीनों को वन 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 मिलेगा, बट जो अगला बैट्समैन आएगा उसको फोर मिलेगा. मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगले वाले को टू मिले. ठीक है, दैट इज वाई मैंने डेंस रैंक यूज किया. इस क्वेरी को रन करते ही यू कैन सी, सो दिस गाय एंड्रयू फ्लिंटॉफ इज 34th नंबर पे इन चेन्नई सुपर किंग्स. अंबती रायडू इज नंबर 4th. ठीक है, तो मेरे पास ये टेबल आ चुका है, इसको एक नाम बोल देते हैं, रैंक विद इन टीम. ठीक है, और क्या करते हैं, इस पूरी चीज को उठा करके एक सब क्वेरी में डाल देते हैं, एंड लेट्स राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल टी. ठीक है, कुछ अंतर नहीं आएगा, सब कुछ सेम दिखाई देगा, बस हमारे पास कॉलम्स बन गए. अब बस हमें क्या चाहिए, हमें हर टीम के वो बंदे चाहिए जो टॉप 5 में आते हैं. तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेयर टी डॉट रैंक विद इन टीम इज लेस देन 6. ऑटोमेटिकली वो सारे लोग हट जाएंगे जिनका रैंक इज ग्रेटर देन 6. सो यू कैन सी, अब हर टीम में बस टॉप 5 बैट्समैन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं. द थिंग इज कि बस मुझे अब इनको ऑर्डर करना है. ठीक है, तो मैं ऑर्डर दो चीजों के बेसिस पे करूंगा. सो आई विल राइट ऑर्डर बाय टी डॉट बैटिंग टीम के ऊपर सबसे पहले मैं करूंगा, सो दैट टीम के नाम के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर टी डॉट रैंक विद इन टीम के बेसिस पे करूंगा, सो दैट हर टीम के अंदर वन सबसे पहले आए, फिर टू सबसे पहले आए. सो या गाइस, दिस इज द आउटपुट. चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर वन बैट्समैन इज सुरेश रैना, उसने इतने रन्स मारे. सेकेंड नंबर पे धोनी, फिर जो भी है. अगर आप नीचे जाओ तो यू वुड सी अदर टीम्स एज वेल. वी कैन क्रॉस चेक विथ आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. यप, यू कैन सी विराट कोहली इज रैंक 1. सो सही लग रहा है ये, दिस इज फाइन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको बोला जाएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पर रैंकिंग बनानी होती है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगा रैंक विंडो फंक्शन या डेंस रैंक विंडो फंक्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. द सेकेंड मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट यूजिंग विंडोज फंक्शन इज क्यूमुलेटिव सम.
ठीक है, आई एम रियली श्योर आपको क्यूमुलेटिव सम के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो लेट मी फर्स्ट गिव यू अ डेफिनेशन एंड एग्जांपल, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे. तो क्यूमुलेटिव सम इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग विंडो फंक्शंस. अक्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट्स द सम ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज अप टू अ गिवन पॉइंट इन टाइम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंक्लूड्स ऑल द प्रीवियस वैल्यूज इन द कैलकुलेशन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और फिर यहाँ पे सेल बताया हुआ है. तो ये सारा डेटा 2020 का है, पहले 8 महीनों का सेल है. यहाँ पे पहले महीने 100, फिर 150, फिर 200, फिर 175. अब क्यूमुलेटिव सम क्या करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्यूमुलेटिव सम क्या बताता है, अप टिल दैट पॉइंट टोटल सम. जैसे मान लो आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम निकालोगे तो जो वैल्यू है वही आपका क्यूमुलेटिव सम होगा, राइट? लेकिन जैसे आप सेकेंड के लिए निकालने जाओगे तो अब क्या होगा कि इसका क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा. सो बेसिकली 250 हो गया. थ्री वाले के लिए आपको ये पूरे को सम करना पड़ेगा, 450 हो गया. फोर वाले के लिए आपको पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो बेसिकली आप एक तरीके से मूव करते जाते हो आगे और पीछे की सारी वैल्यूज को आप पकड़ के सम करते जाते हो. इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव सम. अब ये बहुत यूजफुल होता है बहुत तरह के सिनारियोज में. जैसे कि मान लो आपको ये पता करना है, जैसे मान लो आपके पास ये डेटा है कि आपकी वेबसाइट पे डे कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. ठीक है, लेट्स से तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हो. एक तरफ आपने डेट को रखा है, एक तरफ आपने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन को रखा है. तो यहाँ पे आपने डेट डाला, यहाँ पे मान लो आपने 250 रजिस्ट्रेशन हुए, फिर यहाँ पे 1,000 रजिस्ट्रेशन हुए, और इस तरीके से आप करते जा रहे हो. नाउ यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि ऑन विच डेट वी क्रॉस्ड 10,000 रजिस्ट्रेशन. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन और ये आप तभी बता पाओगे जब आपके पास क्यूमुलेटिव सम होगा. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ अगेन आईपीएल वाले डेटा सेट के साथ. सो हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्टली हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है कि विराट कोहली ने अपने 50th मैच में, अपने 100 मैच में और अपने 200 मैच में कितने रन्स बनाए थे. हमें ये निकालना है. ठीक है, अब ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बट मैं इसको क्यूमुलेटिव सम के थ्रू निकाल के दिखाऊंगा. ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते थे, आपकी मान लो 2,000 रन्स बनाने के लिए कितने मैचेस लगे, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू. बट चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपको क्यूमुलेटिव सम निकालना पड़ेगा. तो पहले हम लोग सीखेंगे कि क्यूमुलेटिव सम कैसे निकाला जाता है और फिर हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आई विल गो बैक टू द डेटा. सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस पूरे के पूरे आईपीएल डेटा के अंदर से सिर्फ उन रोज को निकालना पड़ेगा जहां पर बैट्समैन कौन है, विराट कोहली. अब यू कैन सी बैटर में बहुत सारे अलग अलग बैट्समैन है, राइट? हमें इन रोज से कोई मतलब नहीं है. वी जस्ट नीड दोज रोज वेयर बैटर इज इक्वल टू वी कोहली. एंड यू कैन सी अब हमारे पास सिर्फ वही रोज आ गए जहां पे बैट्समैन कौन है, विराट कोहली. बट ये बॉल बाय बॉल डेटा है, हमें क्या चाहिए, हमें हर मैच में उसने कितने रन्स बनाए ये चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप बाय कर दूंगा. किस कॉलम के बेसिस पे, मैच आईडी कॉलम के बेसिस पे. दिस इज मैच आईडी. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट ग्रुप बाय आईडी. अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो मैच आईडी वो बहुत वियर्ड तरीके से लिखा हुआ है, तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि जो उसका पहला मैच है हम उसको मैच नंबर 1 बुलाएंगे, जो दूसरा मैच है उसको मैच नंबर 2 बुलाएंगे एंड सो ऑन. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय आईडी. इससे क्या होगा, बेसिकली हर मैच को हमने एक रो नंबर दे दिया. फर्स्ट मैच को हम 1 बोलेंगे एंड सो ऑन. यहाँ पर आप कॉनकैट यूज कर सकते हो इफ यू वांट. लेट मी शो यू, आप कुछ इस तरीके का कॉनकैट फंक्शन यूज कर सकते हो जो कुछ इस तरीके से लिखेगा, मैच हाइफन कॉमा. ठीक है, और इसको हम बुला लेते हैं मैच नंबर.
ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या निकाल रहे हैं कि हर मैच में विराट कोहली ने रन कितने बनाए, तो वी विल डू अ सम ऑन टॉप ऑफ बैट्समैन रन वाला कॉलम, और इसको हम लोग बनाएंगे रन्स स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैच, ठीक है। और इस कोड को अगर आप रन करो, यू वुड सी कि वी आर गेटिंग अ ब्लॉब, वाई इज इट अ ब्लॉब, आई गेस बिकॉज दिस इज अ एक काम करते हैं, इसको कास्ट कर लेते हैं एज वर्कर, या हमने बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये स्ट्रिंग था और ये नंबर था, तो जब आप कॉन्कैटिनेट कर रहे थे तो वो कुछ अलग थर्ड डेटा टाइप बन जा रहा था ब्लॉक, हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था मैच दिखाना चाहिए। तो यू कैन सी अब हमारे पास क्या डेटा है कि विराट कोहली ने अपने हर मैच में, सो उसने अभी तक 215 मैचेस खेले हैं, दिस इज एक्चुअली ट्रू डेटा, ये अभी तक का अपडेटेड डेटा है लास्ट आईपीएल तक का, एंड दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्कोर, उसने लास्ट मैच में 7-7 ही बनाया, ठीक है। तो अब हमारे पास हर मैच का डेटा है, नाउ वॉट वी वॉन्ट इज नाउ वॉट वी वॉन्ट इज कि हाँ, सो वी वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर मैच के बाद उसके करियर रन्स कितने हुए, जैसे कि इस मैच के बाद उसका करियर रन 1 हुआ, राइट। इस मैच के बाद उसका करियर रन कितने हो गए, 1 + 23 मतलब 24, फिर इस मैच के बाद कितना हो गया, 37, इस मैच के बाद 49, इस मैच के बाद 50, तो बेसिकली 5 मैचेस के बाद उसका करियर रन था 50, तो हमें क्यूमुलेटिव सम निकालना है। तो व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट वन मोर कॉलम, लेट्स कॉल इट सम, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ बैट्समैन रन्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम इस वाले के ऊपर सम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आई गेस आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, देर इज सम एरर, या हम एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाएंगे, हम इसको एक विंडो फंक्शन की तरह यूज करेंगे, या इसको आप जैसे ही रन करोगे, यू कैन सी क्या हुआ कि एक थर्ड कॉलम बन गया, बट उस थर्ड कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, उस थर्ड कॉलम में दिखाई दे रहा है ओवरऑल सम, उसके करियर रन्स टोटल कितने थे। हमने क्या किया, हमने इस कॉलम के ऊपर सम लगाया ना, इस कॉलम के ऊपर सम लगाया, तो इस कॉलम के ऊपर सम लगाया तो बेसिकली सारी वैल्यूज ऐड हो गई और वही यहाँ पर हर रो में आने लग गया, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव सम निकालना है। क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या है कि आपका हर मैच के बाद उस मैच तक विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये निकालना है, तो यहाँ पे 1 के बदले यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 23 के बदले यहाँ पे 24 आना चाहिए था, राइट। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर फ्रेम जो है ना वो गलत सेट है, यहाँ पर फ्रेम है अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बेसिकली आप पूरा विंडो कंसिडर करके सम निकाल रहे हो, बट हम क्या करेंगे, हम ये वाला फ्रेम यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड करेंट रो, राइट। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा विंडो कंसिडर करके सम मत निकालो, बस पहला वाला पकड़ो और करेंट वाला पकड़ो और सम निकालो, तो जब पहला रो होगा तो पहला कौन सा होगा, खुद, और करेंट कौन सा होगा, खुद, तो सम क्या हो जाएगा, 1। जब ये दूसरा आएगा तो पहला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, और करंट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, तो इन दोनों को पकड़ के सम निकालेंगे तो 23, फिर ये आएगा 13, तो अब क्या होगा, पहला कौन सा है, ये वाला, और करंट कौन सा है, ये वाला, तो इन तीनों का सम निकलेगा। तो बेसिकली फॉर एवरी मैच व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द विंडो, हम फ्रेम्स छोटे करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, यू वुड सी दिस इज द रिजल्ट। सो फर्स्ट मैच के बाद उसके करियर रन थे 1, सेकेंड के बाद 24, थर्ड के बाद 37, फोर्थ के बाद 49, एंड फिफ्थ के बाद 50 हो गए, ठीक है। तो इस चीज को हम बुला सकते हैं एज करियर रन्स, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, ठीक है।
अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसने 50th मैच में कितना बनाया, 100th मैच में कितना बनाया, नहीं या फिर हम ये पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत पूछा आपसे, बताया आपको, हमें ये बताना था कि 50th मैच के बाद उसके करियर रन्स कितने हैं, 100 मैच के बाद उसके करियर रन्स कितने हैं और 200 मैच के बाद उसके करियर रन्स कितने, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस पूरी चीज को एक सब क्वेरी में डाल देंगे, लेट्स कॉल दिस टेबल टी एंड वी वुड राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। तो फिलहाल इतना क्वेरी रन करके तो हमें सेम ही चीज दिखाई देगी। अब हम यहां पे लिखेंगे वेयर, वेयर हमें 50th मैच चाहिए तो हम लिखेंगे वेयर मैच नंबर इक्वल टू मैच हाइफन 50। आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड सी कि आफ्टर मैच 50 उसके करियर रन्स कितने थे, 1131। और अब मैं मुझे बाकी दोनों चाहिए तो मैं लिखूंगा और मैच नंबर इक्वल्स मैच हाइफन 100 और मैच नंबर इक्वल्स मैच हाइफन 200। और इस क्वेरी को हम रन करेंगे एंड यू कैन सी सो 50वें मैच में उसने इतने रन बना लिए थे और उस पर्टिकुलर मैच में उसने 11 रन बनाए थे, 100 मैच में उसने 13 रन बनाए थे बट उसने 2600 रन क्रॉस कर लिए थे और 200वें मैच में उसने 41 रन बनाए थे और उसने 6334 रन क्रॉस कर लिए थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव सम, इट इज क्वाइट यूजफुल, कई तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हो, सॉल्व हुआ जा सकता है। जैसे हम इसका ठीक उल्टा पूछ सकते थे कि मान लो 6000 रन बनाने में कितने मैचेस लगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव सम। जो थर्ड मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसमें अगेन आप विंडो फंक्शन को यूज कर सकते हो वो है क्यूमुलेटिव एवरेज। अब अगर आपको क्यूमुलेटिव सम समझ में आ गया तो आई गेस आपको क्यूमुलेटिव एवरेज भी समझ में आ जाएगा। सो क्यूमुलेटिव एवरेज इज बेसिकली एन एवरेज विच कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज अप टू अ गिवन पॉइंट इन टाइम एंड इंक्लूड्स ऑल प्रीवियस वैल्यू इन द कैलकुलेशन। बिल्कुल सेम चीज है। सो मान लो ये आपका पहला एंट्री है तो इसका एवरेज क्या होगा, 85 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज अभी तक एक ही बच्चा आया है। फिर यहां तक क्यूमुलेटिव एवरेज क्या होगा, दो बच्चे आए हैं तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 85 प्लस 90 और 2 से डिवाइड कर दोगे। थर्ड वाले का क्या होगा, तीन नंबर्स आए अभी तक, तीनों को ऐड कर दोगे 3 से डिवाइड कर दोगे। सो बेसिकली अप टू एवरी पॉइंट आप उस पॉइंट तक जितने भी और पॉइंट्स आए आप सबको कंसिडर करते हो, वैल्यूज को जोड़ते हो, काउंट से डिवाइड करते हो, दैट इज योर क्यूमुलेटिव एवरेज, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको भी जल्दी से करके देख लेते हैं। व्हाट वी विल डू इज विल डू द सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया, हम लोग वही विराट कोहली वाले जो रन्स हैं हर मैच के बाद, हम ये भी निकालेंगे कि हर मैच के बाद उसका एवरेज कितना था, ठीक है। हर मैच के बाद उसका एवरेज कितना था। सो अगर आप यहाँ पे आओ तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने निकाला था, मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट पे ये वेयर कंडीशन हटा देता हूँ, लेट मी रिमूव द वेयर कंडीशन, और ठीक है फिलहाल हर मैच के बाद उसने कितने रन्स बनाए ये है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें एक और एडिशनल कॉलम चाहिए जहां पर हम क्या निकालना चाहते हैं, क्यूमुलेटिव एवरेज। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज ऑफ सम ऑफ बैट्समैन अंडरस्कोर रन ओवर, सो दैट ये विंडो फंक्शन की तरह काम करे। एंड यू कैन सी कि फिर से सेम प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने फिर से पूरे विंडो को पकड़ा और सारी वैल्यूज का एवरेज एक साथ निकाल दिया, तो विराट कोहली का ओवरऑल एवरेज जो है आईपीएल में दैट इज 30, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें फिर से क्या चाहिए कि जिस मैच तक खेला गया है उस मैच तक का एवरेज चाहिए। तो मैं फिर से क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, नाउ आफ्टर द फर्स्ट मैच उसका एवरेज वॉज 1, आफ्टर द सेकेंड मैच उसका एवरेज वॉज 12 एंड यू कैन सी धीरे 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 एवरेज आपका बढ़ घट रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बुला लेते हैं,
एज करियर एवरेज, ठीक है, रन किया, सो यू कैन सी दिस इज द करियर एवरेज, राइट। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बार आपने विंडो फंक्शन लगाया, इनफैक्ट 3 बार लगाया, बट यहां पर आपको काफी कुछ ओवर में लिखना पड़ रहा है, स्पेशली इन दो जगहों पे। तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे तरीके से भी विंडो फंक्शन बना सकते हो। सो आपको क्या करना होता है, ये लिखना होता है, मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ। सो बेसिकली आपको ये करना होता है, आपको लिखना होता है विंडो, विंडो का नाम एज, यहाँ पर आप एग्जैक्टली वो कंडीशन डाल सकते हो जो आप रखना चाहते हो। सो मैं इसको कट करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे ये ओवर के आगे ये फंक्शन कॉल लेने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट राइट डब्ल्यू, ठीक है। अब ये सिंटेक्स ना अपना काम करेगा लाइक दिस, इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट, बट द बेनिफिट इज कि आपको अगर दो तीन जगहों पे चाहिए है तो आपको दो तीन बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक जगह पे चेंज करोगे सभी जगह पे चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया अनबाउंडेड फॉलोइंग, बेसिकली मैं पूरा डेटा कंसिडर करने को बोल रहा हूँ, यू कैन सी पूरा डेटा कंसिडर हो जा रहा है, ठीक है। ये सेम चीज मैंने आपको एक्चुअली क्लास में भी बताने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में, बट काम नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये था, मैंने बाद में देखा किसी ने कमेंट भी किया था ये लास्ट वीडियो के ऊपर, कि मैं क्या कर रहा था कि सिंस हम लोग एक सब क्वेरी के अंदर हैं, मैंने गलती से क्या किया था क्लास में कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है विंडो क्लॉज, ये उठा करके मैंने बाहर लगाया था, राइट, एंड इट वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। यू कैन सी कुछ एरर आ जाएगा, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो बेसिकली ये गलती मत करना, अंदर जहां पे आपने अपना ये पूरा का पूरा क्वेरी बिल्ड किया है ना, आपको वहीं पर ये विंडो क्लॉज लगाना होता है, और फिर आप नोटिस करोगे कि गलती नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कब काम आता है ये, जब आप मल्टीपल विंडो फंक्शंस अप्लाई कर रहे हो विथ सेम ओवर क्लॉज, तो आप ओवर क्लॉज का जो कंटेंट है उसको उठा करके यहाँ पे डाल सकते हो, तो इट हेल्प्स, इट समटाइम हेल्प्स, ठीक है। तो या दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एवरेज, हमने क्यूमुलेटिव एवरेज निकालना सीखा। सो गाइस, जो अगला मैथमेटिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग विंडो फंक्शंस, दैट इज रनिंग एवरेज, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और सिंस अभी आपने क्यूमुलेटिव एवरेज पढ़ा तो आपको रनिंग एवरेज और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, चैट जीपीटी से उठाया है। रनिंग एवरेज ऑल्सो नोन एज मूविंग एवरेज, ये आपको याद रखना है, इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट ओवर अ मूविंग विंडो ऑफ कंसेकेटिव डेटा पॉइंट्स, ठीक है। द विंडो साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यूज टू कैलकुलेट द एवरेज, एंड एज द विंडो मूव्स फॉरवर्ड इन टाइम द एवरेज इज रिकैलकुलेटेड यूजिंग न्यू डेटा पॉइंट्स एंड ड्रॉपिंग द ओल्डेस्ट वन। दिस मीन्स दैट द रनिंग एवरेज इज कंटिन्यूसली अपडेटेड एंड रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स इन डेटा, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे कि एक बैट्समैन के अलग अलग मैचेस में उसने कितने रन बनाए, ये डेटा हमारे पास है। क्यूमुलेटिव एवरेज क्या होगा कि जैसे फर्स्ट मैच में कितना एवरेज होगा, उस मैच में उसने कितने रन बनाए डिवाइडेड बाय वन, सेकेंड मैच के बाद टोटल रन डिवाइडेड बाय टू, थर्ड मैच के बाद टोटल रन डिवाइडेड बाय थ्री, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका क्यूमुलेटिव एवरेज निकलता है। रनिंग एवरेज कैसे निकलता है कि आप एक विंडो पीरियड डिसाइड करते हो, लेट्स से हमारा विंडो पीरियड है 5 मैचेस, तो आप क्या करोगे, आप लाइक लेट्स से आपको 6th मैच के बाद निकालना है रनिंग एवरेज, तो आप क्या करोगे, आप इस मैच के पहले जो 4 मैचेस हुए हैं आप उनको कंसिडर करोगे, आप इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे, और आप करेंट मैच को करोगे, और आप इन 5ों के रन्स को मिलाओगे और 5 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी योर रनिंग एवरेज, सॉरी दैट विल बी योर रनिंग एवरेज, ठीक है। फिर 7th मैच के बाद क्या होगा कि आप फिर से करंट को पकड़ोगे, अपने पीछे वाले एक को पकड़ोगे, दूसरे को पकड़ोगे, तीसरे को पकड़ोगे, 4 को पकड़ोगे, और अब आप इन 4ों के बीच में लगाओगे, ठीक है। फिर आप अगली बार इन 4ों के इन 5ों के बीच में लगाओगे, फिर इस तरीके से, और इस तरीके से आपका ये विंडो है ना ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, ठीक है, और वही आपका रनिंग एवरेज होता है। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है इससे क्या फायदा होता है।
अगर आप बैट्समैन के टर्म्स में बात करो तो आप बैट्समैन का करंट फॉर्म कैसा है, कैसा खेल रहा है, वो निकाल सकते हो। तो रनिंग एवरेजेस अपने आसपास की वैल्यूज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि ओवरऑल वैल्यूज पे। अब जैसे क्यूमुलेटिव एवरेज, यहाँ वाला क्यूमुलेटिव एवरेज इन सारी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, बट यहाँ वाला रनिंग एवरेज विल डिपेंड ओनली ऑन दीज फाइव वैल्यूज। तो बेसिकली करंट ट्रेंड्स निकालने के लिए डेटा के अंदर से आप क्या यूज करते हो, आप रनिंग एवरेज यूज करते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अ रनिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन रन स्कोर्ड ओवर अ विंडो ऑफ 10 मैचेस विल कैलकुलेट द एवरेज रन स्कोर्ड इन द लास्ट 10 मैचेस, ठीक है? देन मूव द विंडो 1 मैच फॉरवर्ड एंड रिकैलकुलेट द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ 10 मैचेस एंड सो ऑन, ठीक है? रनिंग एवरेजेस आर मोर ऑफन यूज्ड इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग टू स्मूद आउट नॉइजी और वोलाटाइल डेटा सीरीज एंड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और पैटर्न्स दैट मे बी ऑब्स्क्योर्ड बाय रैंडम फ्लक्चुएशंस इन द डेटा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने विराट कोहली का क्यूमुलेटिव एवरेज कैलकुलेट किया था। हम लोग क्या करेंगे, विराट कोहली का ही 10 मैचेस का रनिंग एवरेज निकालेंगे। बेसिकली 10-10 मैचेस का हम लोग विंडो पकड़ेंगे और उस विंडो में उसका एवरेज कैसे बढ़ा घटा हम ये निकालेंगे, ठीक है? तो विल गो बैक टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच और यहाँ पे हमने ये निकाल रखा है करियर एवरेज, विच इज द क्यूमुलेटिव एवरेज। या इट इज द क्यूमुलेटिव एवरेज। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका रनिंग एवरेज 10 मैचेस में, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू इज विल फाइंड आउट एवरेज ऑफ सम ऑफ सेम बैट्समैन रन्स, आपको करना ही पड़ेगा। बस इस बार क्या होगा, आपका ओवर जो होगा उसमें आप फ्रेम अलग तरीके से डिफाइन करोगे। इस बार आपका फ्रेम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रोज बिटवीन 9 प्रिसीडिंग एंड करेंट रो। आई गेस आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको जो फ्रेम्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, एक पहले वाला लेना है और एक बाद वाला लेना है, ठीक है? यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि 9 पहले वाले लो और एक खुद को पकड़ो। तो 10 मैचेस का हम विंडो पकड़ रहे हैं बार बार, तो बेसिकली पहला मैच तो एज इट इज निकलेगा, दूसरा भी एज इट इज निकलेगा, तीसरा भी एज इट इज निकलेगा। जैसे आप 10th मैच पे पहुंचोगे ना, वहां से स्टार्ट होंगी चीजें और वहां से आप रोलिंग एवरेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट एज रोलिंग एवरेज, ठीक है? और इसको हम जैसे ही रन करेंगे, बैट्समैन रन्स मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ, शुड बी लाइक दिस एंड यू कैन सी फर्स्ट 10 मैचेस तक, इनफैक्ट फर्स्ट 9 मैचेस तक इट वुड बी सिमिलर एंड देन उसके बाद से यू वुड स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस। सो यू कैन सी 11th मैच ऑनवर्ड्स यू कैन सी द डिफरेंस। थोड़ा और नीचे जाओगे तो यू वुड सी डिफरेंसेस होंगे, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 23 है और कहीं पे यू कैन सी जैसे इस जगह पे 43 पहुंच गया। इट्स बेसिकली मीन्स कि उसके पिछले के मैचेस में उसने अच्छे रन बनाए होंगे। ये देखो लाइन से उसने अच्छे रन बनाए, बिकॉज ऑफ दीज रन उसका रोलिंग एवरेज ऊपर हो गया, विच एक्चुअली शोज इन दिस केस कि विराट कोहली का फॉर्म कैसा चल रहा है, ठीक है? तो ये हुआ रोलिंग एवरेज। बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर आप इसको प्लॉट करके देखो, ठीक है? तो मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ, व्हाट वी विल डू इज विल प्लॉट दिस डेटा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड आई विल गो टू जुपिटर। जुपिटर में मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी पैंडास और MySQL कनेक्टर इंपोर्ट कर रखा है और ये मैंने अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने आपको सिखा रखा है कि मैं एक फंक्शन होता है पैंडास के अंदर रीड एसक्यूएल क्वेरी बोल करके, मैं अगर चाहूँ तो आई कैन एक्चुअली पेस्ट दिस एंटायर थिंग हेयर एंड इट विल गिव मी द सेम। ओके, यहाँ पे मुझे एक बार अपना कनेक्शन पैरामीटर भी भेजना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग एरर, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। सो हमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं बताया। तो व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम IPL के बदले आई कैन राइट campusx.IPL एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द सेम डेटा जो हमें वहां मिला था, द सेम डेटा, ठीक है? तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि मैंने पैंडास में एसक्यूएल क्वेरी रन की और मुझे ये बेसिकली मिल गया, ठीक है? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लॉट अ ग्राफ।
जस्ट टू सी कि क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT. ठीक है, और इसको मैं रन कर रहा हूँ. एंड व्हाट आई विल डू इज कि आई वुड प्लॉट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लेट्स कॉल इट df. सो वी हैव df डॉट हेड, दिस इज df डॉट हेड. नॉट नो नाउ व्हाट आई वांट इज मैं PLT डॉट प्लॉट करना चाहता हूँ, और मैं x एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ मैच नंबर और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ करियर एवरेज, जस्ट टू सी उसका करियर एवरेज कैसे भागा है. एंड यू कैन सी दिस इज द करियर एवरेज. ग्रेजुअली 10-15 से ऊपर उठ के इट हैज रीच्ड लाइक यहाँ पे, और थोड़ा सा फिर पिछले एक दो सीजन में नीचे की तरफ गया है. और व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट विथ रोलिंग एवरेज एंड आई विल रन दिस एंड यू कैन सी दिस इज द रोलिंग एवरेज. ठीक है, ये आपको बता रहा है करेंट ट्रेंड. सो देर वर सर्टेन टाइम्स स्पेशली दिस 2016 का पीरियड व्हेन हिज रोलिंग एवरेज वेंट वेरी हाई, लाइक 60-70 के आसपास भी जा चुका है. एंड फिर कई बार लोज आए हैं, जैसे यहाँ पर इट हैज बीन वेरी लो, फिर अभी रिसेंटली काफी नीचे ही चल रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्लू कर्व को नीचे दबाया जा रहा है. राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई पीरियड दिस विंडो, बिकॉज ऑफ दिस विंडो ये ऊपर की तरफ जा रहा था. आप अब जितना छोटा विंडो लोगे ना, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे जो विंडो ले रखा है, दिस विंडो इज 9 प्रिसीडिंग ना. अब लेट्स से मैं इसको 4 प्रिसीडिंग कर दूं, तो मैं और छोटे विंडो पे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कम नंबर ऑफ मैचेस पे बात कर रहा हूँ, तो और ज्यादा स्पाइकी होगा ये ग्राफ. लेट मी शो यू, अगर मैं इसको रन करूं फिर से, तो यू वुड सी ज्यादा स्पाइक्स आएंगे. देख रहे हो, और ज्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं. और आप जितना इस विंडो को बढ़ाओगे, लेट्स से मैं इसको 25 मैचेस का पीरियड ले लूं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा क्लोज रहेगा आपके ब्लू कर्व से. यू कैन सी सो स्टिल देर वॉज दिस पीरियड वेन ही वॉज हैविंग वेरी हाई एवरेज. ठीक है, तो यू गेट द आइडिया. ठीक है, दो तरह के एवरेजेस हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव एवरेज जो उसका करियर प्रोग्रेशन बता रहा है, एंड देन वी हैड वी लर्न अ रोलिंग एवरेज जो हमें ये बता रहा है कि उसका फॉर्म कैसा था ओवर हिज करियर. ठीक है, तो इससे आप किसी भी बैट्समैन के अच्छे दिन और बुरे दिन का पता लगा सकते हो. और ये सिर्फ बैट्समैन का डेटा हुआ, बाय द वे आप किसी कंपनी का स्टॉक्स का डेटा उठाओ एंड यू कैन डू द सेम थिंग. राइट, कि कब अच्छा परफॉर्म किया, किस पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया, इफ देर आर सीजन्स, क्या बार बार रिपीट हो रहा है वो अच्छे दिन या बुरे दिन, तो यू कैन फाइंड दैट आउट. ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल डेटा उठा के भी यू कैन डू द सेम थिंग. तो जो भी है, अगेन अ वेरी यूजफुल सिनेरियो जहां पे आप विंडो फंक्शंस को यूज कर सकते हो. सो गाइस, द नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी इज परसेंट ऑफ टोटल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और आप काफी यूज करते हो. सो पता भी होगा आपको, परसेंट ऑफ टोटल रेफर्स टू द परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू इन रिलेशन टू द टोटल वैल्यू. इट इज कॉमनली यूज मेट्रिक टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू विद इन अ लार्जर ग्रुप और पॉपुलेशन. सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास किसी एक कॉलम में चार कैटेगरीज हैं या तीन कैटेगरीज हैं, लेट्स से यही तीन कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए बी एंड सी. राइट, और दीज आर लाइक प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो इतना सेल हुआ है तीनों में, तो आप बस ये जानना चाहते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है आपके लिए. तो आप क्या करोगे, आप उस कैटेगरी के सेल को उठाओगे और बेसिकली ओवरऑल सेल को उठाओगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द परसेंट ऑफ टोटल. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशन होता है, मेट्रिक होता है, और आपको कई जगहों पे ये निकालना पड़ सकता है. ऑल्दो ये निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको विंडोज फंक्शन यूज करना ही पड़े. अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ी, उसमें आपको मोस्टली विंडोज फंक्शन के बिना काम नहीं चलेगा. बट ये ऐसी चीज है जिसको आप विदाउट विंडो फंक्शन मे बी सब क्वेरीज यूज करके भी कर सकते हो. बट स्टिल अभी हम लोग विंडोज फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आई विल गिव यू अ लाइक एग्जाम्पल कि कैसे आप विंडो फंक्शन यूज करके परसेंट ऑफ टोटल निकाल सकते हो. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्विगी का डेटा सेट है. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट्स का डेटा है और
उन रेस्टोरेंट्स में कितने ऑर्डर्स पड़े, कितने रुपए के ऑर्डर्स पड़े, ये सारा डेटा है। हमें बस ये पता करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फूड कौन सा है जो सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो विल जस्ट पिक वन रेस्टोरेंट आउट ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट अ परसेंट ऑफ टोटल चार्ट लाइक दिस, कि कौन सा उसका खाना सबसे ज्यादा कितना परसेंट बिकता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है नॉनवेज पिज्जा हो जो कि 36% ऑफ टोटल सेल्स लेके आता है। ठीक है, गार्लिक ब्रेड हो जो हो सकता है 10% ऑफ ओवरऑल सेल्स लेके आता है। तो हमें इस तरह का एक टेबल रिटर्न करना है। अब ये डेटा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पास में किसी ना किसी क्लास में। दिस इज द डेटा सेट वी हैव। सो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स का डेटा है, यू कैन सी जो सारे ऑर्डर्स पड़े हैं, और यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट आईडीज हैं। ठीक है, हम फिलहाल रेस्टोरेंट आईडी वन पे फोकस करेंगे। कोई भी और रेस्टोरेंट आप उठा सकते हो। फिर अपने पास ऑर्डर डिटेल्स है, जहाँ पे हर पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या क्या फूड आइटम ऑर्डर हुआ ये इंफॉर्मेशन है, और मेन्यू नॉट मेन्यू फूड में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि उस खाने के आइटम का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले ये पता करोगे कि हर ऑर्डर में क्या क्या खाने का आइटम ऑर्डर किया गया। तो यू कैन सी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, सॉरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स विल गिव अस ऑल द ऑर्डर्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट फिल्टर आउट, आई जस्ट टेक द ऑर्डर्स वेयर रेस्टोरेंट आईडी इज इक्वल टू वन। सो ये बेसिकली रेस्टोरेंट आईडी वन में जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हुए उसका डिटेल आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम हर ऑर्डर में क्या क्या खाना ऑर्डर हुआ है ये हम निकालेंगे। तो विल हैव टू मेक अ ज्वाइन, सो विल डू अ ज्वाइन ऑन ऑर्डर डिटेल्स टी टू। नेचुरल ज्वाइन कर लेते हैं, वो हो जाएगा अपने आप। या नहीं हुआ, लेट्स डू अ नेचुरल ज्वाइन। अच्छा चलो छोड़ो, लेट्स प्रोवाइड अ कंडीशन, रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। टी वन ऑर्डर आईडी को हम जोड़ रहे हैं टी टू ऑर्डर आईडी से, एंड दिस इज द ऑन कंडीशन। या सो बेसिकली हर ऑर्डर में क्या फूड ऑर्डर हुआ ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ग्रुप बाय, और मैं निकालना चाहता हूँ कि हर फूड आइटम कितनी बार ऑर्डर हुआ है, सॉरी हर फूड आइटम कितना पैसा कमाया है। लाइक अगर पिज्ज़ा 10 बार ऑर्डर हुआ है तो 10 बार मिला के उसने कितना पैसा कमाया है। तो आई जस्ट राइट FID कॉमा सम ऑफ अमाउंट एंड दिस विल गिव मी दिस, कि फूड आईडी वन जो भी है उसने 3,050 कमाया है, टू ने 950 कमाया है, तीन ने 2,600 कमाया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सब क्वेरी फॉर्म करता हूँ। ऑल्दो ये स्टेप अलग भी हो सकता है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। दिस इज द सेम आउटपुट, सम ऑफ ऑर्डर्स को आई जस्ट कॉल लेट्स कॉल इट टोटल वैल्यू, दिस इज टोटल वैल्यू। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई आई फेच फूड आईडी कॉमा एंड आई डू दिस सम ऑफ टोटल वैल्यू ओवर। ये क्या करेगा, ये बेसिकली तीनों वैल्यूज को जोड़ देगा, बट मुझे ये नहीं करना। सो मैं क्या करूंगा, मैं हर टोटल वैल्यू को पकड़ूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा ओवरऑल वैल्यू से, तो ये मुझे परसेंटेजेस मिलने लग गए। मैं बस इस पूरे परसेंटेज को क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दिस विल गिव मी द परसेंटेज। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल डू इज कि आई विल ज्वाइन विथ फूड कॉलम, ताकि मुझे फूड का नाम मिल पाए। फूड P3 ऑन T डॉट FID इक्वल टू
T3.FYD. T.FYD. और ऑल्सो आई डू दिस, तो मुझे ये खाने के आइटम का नाम मिलने लग गया, और अब मुझे क्या करना है, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एफ अंडरस्कोर नेम चाहिए. और अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो यू कैन सी आ रहा है हमारे पास. ऑल्सो बस एक लास्ट चीज़ ये करेंगे, इसको एज परसेंट ऑफ टोटल बुला लेंगे एंड दिस वुड गिव अस आर आंसर. ठीक है, दिस इज फॉर रेस्टोरेंट ID 1 एंड यू कैन सी यू कैन डू अ ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय ऑन दिस वैल्यू डिसेंडिंग. सो या फॉर दिस रेस्टोरेंट नॉन वेज पिज्जा ब्रिंग्स अराउंड 46% ऑफ द सेल्स. इसको आप राउंड राउंड कर सकते हो. अगर आप इसको रेस्टोरेंट ID 2 करो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज. सो दिस इज प्रोबेबली KFC चिकन विंग सबसे ज्यादा लेके आता है. दिस इज 3 चोकोलावा केक. दिस इज 4 5 रेस्टोरेंट है हमारे डेटा में. मसाला डोसा, रवा इडली, 5 वेज मंचूरियन, शेजवान नूडल्स, राइस मील. सो या गाइस दिस इज द आउटपुट. ऑल दो ये क्वेरी जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से ही लिखो, ये तो मैंने जस्ट आपको विंडो फंक्शन का एग्जाम्पल की तरह दिखाया. अदरवाइज इस क्वेरी को आप और सिंपल तरीके से भी कर सकते थे. जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि विंडो फंक्शन यूज करके आप ये चीज कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वॉज द वीडियो गाइस. आई नो अराउंड 45 मिनट्स का वीडियो है, बट आई विल बी पोस्टिंग वन मोर वीडियो जहाँ पर कुछ और मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ विंडो फंक्शंस, ये सिखाऊंगा मैं आपको. और साथ ही साथ कुछ और विंडो फंक्शंस अभी बचे हुए हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हो और सारे टास्क अगर आप बना लेते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप विंडो फंक्शंस के ऊपर अपना अच्छा ग्रिप बना लोगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.